हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम जो मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ देख रहे थे, ये इसका पार्ट 3 है। हमने इससे पहले पार्ट 2 और बनाए हैं मुहावरे और लोकोक्ति पर, और आगे भी एक लंबी सीरीज चलेगी ताकि हम सभी मुहावरों और लोकोक्तियों को जो है वो कवर कर सकें। इन सभी मुहावरे और लोकोक्तियों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक बार आप इन सभी वीडियोज़ को पूरा देख लेना। इस पार्ट 3 के अंदर हम 20 मुहावरे कवर करने वाले हैं। मुहावरों का उनका अर्थ देखेंगे और फिर उनका वाक्य के प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमको यहाँ पर देखना है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स, वीडियोज, ये सब, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8696608541। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सएप पे क्लास और आपको नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, वो सब लिखकर हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हम आपको व्हाट्सएप पे भी नोट्स वगैरह भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। पहला मुहावरा है अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है खुद ही जानबूझकर गलती करना, क्योंकि अगर आदमी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है इसका मतलब वो जानबूझकर गलती कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपना नुकसान स्वयं ही करना। अपना नुकसान स्वयं ही करना मतलब अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। अब सर इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो देखिए। डॉक्टर के कहने के बावजूद राकेश ने जर्दा खाना नहीं छोड़ा, वो जर्दा खाता ही रहा भाई साहब, और गले में कैंसर हो गया। इसमें किसी का दोष नहीं, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि उसने अपना नुकसान खुद ही कर लिया। ये हो गया पहला मुहावरा। दूसरा मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, यानी कि वो किसी और पर डिपेंड नहीं है, खुद पर ही डिपेंड है। सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भर होना। अब सर इसका वाक्य क्या होगा, मैं अध्ययन पूर्ण करने के बाद अपनी जीविका उपार्जन कर आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आरएएस 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ खुद ही करना, खुद की प्रशंसा खुद ही करना, यानी कि अपनी बड़ाई आए करना, खुद ही करना। जब देखो तब सुशील अपने मुंह मियां मिट्ठू बना रहता है, यानी कि खुद की बड़ाई खुद ही करता रहता है, मैं ऐसे मैं ऐसे मैं ऐसे। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का मतलब क्या है, अपनी बड़ाई खुद ही करना, अपनी प्रशंसा खुद ही करना। नेक्स्ट है अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह मियाँ की गाय मतलब बहुत ही सुशील, सज्जन, सरल, सच्ची। अगर कोई व्यक्ति जो है सरल है, सज्जन है और सच्चा है, तो इसका मतलब वो क्या है, अल्लाह मियाँ की गाय है। तो अल्लाह मियाँ की गाय का मतलब क्या हो गया, सरल, सज्जन और सच्चा। अब वाक्य क्या होगा, आकाश इतना सरल सज्जन है कि हम सब दोस्त उन्हें अल्लाह मियाँ की गाय कहते हैं। तो आकाश जो है वो सरल भी है, सज्जन भी है और सच्चा भी है। सच्चा आकाश है, सरल भी है, सज्जन भी है, तीनों चीज है। इसका मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, अल्लाह मियाँ की गाय बोलते हैं। नेक्स्ट आंख का काटा होना, यानी कि बुरा लगना। आंख का काटा होना मतलब बुरा लगना या फिर खटकना। अब सर इसका वाक्य कैसे लिख सकते हैं, मैंने जैसे ही विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कुछ लोगों की आंखों में कांटे
की तरह खटकने लगा, यानी कि मैं कुछ लोगों को जो है वो बुरा लगने लग गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आंख का काजल चुराना। आंख का काजल चुराने का मतलब है बहुत ही सफाई से चोरी करना, पता भी नहीं चलेगा सामने वाले व्यक्ति को किसने चोरी कर ली और वो बिल्कुल आराम से चोरी करके निकल जाएगा। तो आंख का काजल चुराना मतलब जब कोई आदमी आंख का काजल चुरा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही सफाई से चोरी कर रहा है। तो आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सफाई से चोरी करना। ऐसे ऐसे शातिर लोग हैं कि आंख से काजल चुरा ले, ये हो गया इसका वाक्य। आगे बढ़ते हैं, आंख का पानी गिर जाना। आंख का पानी गिर जाना मुहावरे का अर्थ होता है बेशरम हो जाना। अब इसका वाक्य क्या ले सकते हैं? जिसकी आंख का पानी गिर गया उससे जनता की सेवा करने की क्या उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि जो खुद बेशरम हो गया जो इंसान, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है वो दूसरों की सेवा करेगा। तो जिसकी आंख का पानी गिर गया उसे जनता की सेवा की क्या उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंख की किरकिरी। आंख की किरकिरी का मतलब क्या हो गया? बुरा लगना। आंख की किरकिरी लगना मतलब बुरा लगना। अब इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं? अर्पित मेरी प्रकृति से जलता है, मैं उसकी आंख की किरकिरी बना हुआ हूं। कहने का मतलब मैं उसको बुरा लगता हूं। आंख की किरकिरी मतलब बुरा लगना। नेक्स्ट, अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना कहने का मतलब वो अकल के सिर्फ घोड़े दौड़ा रहा है, उसको काम में नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब केवल कल्पनाएं करते रहना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं करते रहना। अकल के घोड़े दौड़ाने रहने से कुछ नहीं होगा, जमकर मेहनत करनी होगी तभी सफलता मिलेगी। अगर अकल के घोड़े दौड़ाते रहेंगे, कहने का मतलब केवल कल्पना करते रहेंगे, सोचते रहेंगे मैं ऐसे कर दूं मैं ऐसे कर दूं, तो उससे कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे तभी जाकर हमारे को सफलता मिलेगी। आप इसका ये वाक्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अकल चकराना। अकल चकराना मुहावरे का अर्थ होता है समझ में न आना। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहने का मतलब मेरी अकल जो है वो चकरा रही है। अब सर इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं? उग्रवादियों द्वारा सैकड़ों नागरिकों की मुंबई में बम विस्फोट व हत्या का समाचार सुनकर सरकार की अकल ही चकरा गई। कहने का मतलब सरकार जब इंस्टेंट ये न्यूज सुनी कि मुंबई के अंदर ब्लास्ट हो गया और कई लोग मारे गए, तो सरकार जो थी वो अचानक से सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाना चाहिए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब उसकी जो अकल है वो चकराने लग गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है अगर मगर करना। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है बहाने बनाना। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई कल तू यहाँ पे टाइम पे आ जाना, अगर मगर मत करना, कहने का मतलब कोई बहाना मत बनाना कि भाई मैं नहीं आ सकता और ये सब। तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाना बनाना। आपको मेरी लड़की के विवाह में आना ही होगा, अगर मगर करने से काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है अगस्त्य का समुद्र पान। अगस्त्य का समुद्र पान होना मतलब असंभव कार्य करना। इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं? भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश पाना अगस्त्य के समुद्र पान के समान है, समुद्र पान जैसा है। तो अगस्त्य का समुद्र पान का मतलब क्या हो गया? असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का मतलब होता है कठिन और जो कठोर जांच है वो होती है। तो अग्नि परीक्षा मतलब कठिन भी है और कठोर जांच भी है। जांच का मतलब यहां पे परीक्षा भी लिख सकते हैं। तो अग्नि परीक्षा मतलब कठिन और कठोर जांच। अब इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं? कलयुग में सच्चे व्यक्ति को जीवन में अनेक बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, यानी कि कठिन जांच या फिर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है
अचार बनाना, अचार बनाने का मतलब होता है बहुत ज्यादा मारना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कल उसने होमवर्क नहीं किया था तो टीचर ने उसका अचार बना दिया, अचार बनाने का मतलब उसको बहुत बुरी तरीके से मारना। तो अचार बनाना मतलब बहुत मारना। मुहावरे का वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? लड़कियों के साथ अभद्रता एवं छीना छिपटी करने पर वहां के लोगों ने अराजक तत्वों को पकड़कर उनका अचार बना दिया। नेक्स्ट, अच्छे घर बयाना देना। अच्छे घर बयाना देने का मतलब है अपने से अधिक सामर्थ्यवान या फिर बलवान से दुश्मनी मोल लेना। आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, फिर भी आप उसको चैलेंज कर देते हो, तो इसका मतलब अच्छे घर बयाना दे रहे हो। तो अपने से अधिक सामर्थ्यवान या फिर बलवान व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेना क्या कहलाता है? अच्छे घर बयाना देना। अब वाक्य केंद्र प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आजकल के छुटभैया राजनेता भी अच्छे घर बयाना देने से बाज नहीं आते। कहने का मतलब अपने से जो बड़े नेता है वो उनको भी चैलेंज कर देते हैं, उनसे भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं। नेक्स्ट है, अटकेलियां सूझना। अटकेलियां सूझने का मतलब है हंसी मजाक करना, बात को सीरियस लेना ही नहीं। आप अपने फ्रेंड से कोई सीरियस बात कर रहे हैं लेकिन वो आपकी बात को बिल्कुल मजाक में ले रहा है और आपके साथ मजाक कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उसको अटकेलियां सूझ रही है। हंसी मजाक करना गंभीर न होना, यानी कि वो आपको सीरियस ले ही नहीं रहा, वो सिचुएशन को बिल्कुल लाइटली ले रहा है। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं? मुझे विषम परिस्थितियों में देखकर भी तुम्हें अटकेलियां सूझ रही हैं। कहने का मतलब तुम्हें हंसी मजाक सूझ रहा है, तुम गंभीर नहीं हो रहे हो, मेरी स्थिति को तुम गंभीरता से नहीं ले रहे हो, मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट है, अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है जिद्दी। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है जिद्दी। हमें मालूम है वह चुनाव में हारेगा किंतु वह अड़ियल टट्टू है, अगर खड़ा हो गया तो हरगिज नहीं बैठेगा। यानी कि वो जो है वो अड़ियल टट्टू है, बिल्कुल जिद्दी आदमी है। अगर उसने सोच लिया कि एक बार चुनाव में खड़ा होना है तो वो होके ही रहेगा। अड़ियल टट्टू है वो, जिद्दी खोर है, वो नहीं मानेगा। नेक्स्ट है, अंडा फूट जाना या भंडा फूटना। इसका मतलब होता है भेद खुल जाना। जैसे अंडा जो है वो अगर फूट जाएगा तो उसके अंदर जो माल मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? भेद खुल गया। उसी प्रकार से हमने ये मुहावरा बनाया हुआ है, अंडा फूट जाना या भंडा फूट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद खुल जाना। तो मुहावरे का वाक्य केंद्र पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं? झूठ का एक न एक दिन अंडा फूट ही जाता है। कहने का मतलब उसका जो भेद है वो खुली जाता है, जो वास्तविकता है वो सामने आ ही जाती है। नेक्स्ट है, अंडे का शहजादा होना। अंडे का शहजादा होने का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक छोटे से स्पेस में रहेगा तो उसे क्या पता दुनियादारी किस चीज का नाम है। तो वही बात आ रही है, अंडे का शहजादा होना। ये शहजादा है वो किसका है? सिर्फ अंडे का। उसको अंडे के बाहर क्या दुनिया है उसको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अनुभवहीन है। उसको कुछ अनुभव ही नहीं है कि दुनियादारी क्या है, बाहर जाएंगे तो क्या होगा। तो अंडे का शहजादा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभवहीन होना। प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे अनुभव प्राप्त कर परिपक्व होता है, पहले तो वह अंडे का शहजादा ही रहता है। कहने का मतलब वो अनुभवहीन ही रहता है, उसे दुनियादारी का कोई नॉलेज नहीं रहता है। नेक्स्ट है, अंत पाना। अंत पाना मुहावरे का अर्थ है रहस्य जानना। अंत पाना, अंत का मतलब क्या है? जो लास्ट स्टेज है वो उसने प्राप्त कर ली, तो कहने का मतलब जो रहस्य छुपा हुआ था वो उसने जान लिया। तो अंत पाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? रहस्य जानना। ईश्वर की लीला का अंत पाना कठिन है, यानी कि उसका जो रहस्य, ईश्वर का जो रहस्य है वो जान पाना बिल्कुल कठिन है। तो इस प्रकार से हम वाक्य लिख सकते हैं कि ईश्वर की लीला का अंत पाना कठिन है। तो इस प्रकार से हमने यहां पे 20 जो मुहावरे हैं वो कंप्लीट कर लिए।
तो आप शिव ओम क्लासेस जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, और वो भी सब कुछ मतलब नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, सॉल्यूशंस, जो ई बुक्स हैं वो, जो आपकी एनसीईआरटी वाली चलती हैं वो, एमसीक्यू टेस्ट भी हैं, मतलब सब कुछ जिस भी चीज़ की ज़रूरत आपको क्लास के अंदर पड़ती है वो सब कुछ ऐप के अंदर हमने डाल रखा है। तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, या फिर आप हमारी ये व्हाट्सअप नंबर लिख लो 8698 6961, आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर भेज देना, हम व्हाट्सअप पे भी आपके नोट्स भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।